तो पिवट टेबल की हमारी ये तीसरी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं किसी डेटा को समराइज, किसी डेटा पे हम ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, मूविंग वगैरह कैसे करते हैं। तो डेटा, आज मैंने डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है। बेसिकली जो डेटा है हमारे पास इस तरह का डेटा है। आप इसमें देखिए कि डेट में मेरे पास यहाँ ईयर भी है, मंथ भी है और डे भी है, लेकिन मैं इनका यूज नहीं करूँगा अपने क्लासेस में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टिंग की। तो मैंने पिवट टेबल लगाया और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके शीट टू पे पिवट टेबल को डाल दिया। ये हमारा पिवट टेबल आ गया। अब पिवट टेबल आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है मान लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट वाइज, नहीं प्रोडक्ट वाइज नहीं ले रहा, हाँ मैं कैटेगरी वाइज करता हूँ या प्रोडक्ट वाइज करता हूँ, जो करना चाहे कर सकते हैं आप। हमने यहाँ पे अमाउंट लिया तो आपके सामने डेटा आ गया। अब मुझे सबसे हाईएस्ट को ऊपर रखना है और लोएस्ट को नीचे रखना है। तो जस्ट राइट क्लिक, शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, आपका शॉर्ट हो जाता है। लेकिन जब कब हो, जब दो हो, तो जैसे कि मैंने सेल्स टाइप को इसके नीचे रख दिया, तो अब मेरे पास दो तरह का डेटा है। अब मैं अगर यहाँ सेल्स टाइप को जाके अगर सॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये जो सेल्स टाइप है यही आपका सॉर्ट होगा। इंडिविजुअली हर सेल्स टाइप आपका सॉर्ट होगा, आपका डेटा थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं होगा, जो कि आपका कैटेगरी का डेटा है। लेकिन मैं कैटेगरी के ऊपर सॉर्ट करता हूँ तो पूरा डेटा आपका हिल जाएगा। कैटेगरी अब जब जाएगा तो पूरा का पूरा जो डेटा नीचे दिख रहा है सबको लेते हुए जाएगा यहाँ से। ओके, तो इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने डे को रख दिया, अब मुझे डे के हिसाब से शॉर्ट करना है तो राइट क्लिक करके हम कॉलम पे भी क्लिक करके शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट आप लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू डाउन पिवट दोनों में कर सकते हो। और इसमें नॉर्मल सॉर्टिंग की तरह कस्टम शॉर्टिंग नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह होते हैं, वो चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट वाइज टोटल ले लिया। अब मेरा जो प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। अब मैं इसको इसके हिसाब से शॉर्ट करता हूँ तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट करना है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, तो उस केस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 1 के बाद सीधे प्रोडक्ट 10, 19 के बाद 2, क्योंकि जब भी शॉर्ट होता है ना तो ये जो 1 वाला सीरीज है वो पहले आता है, देन 2 वाली सीरीज, फिर 3 वाली सीरीज, फिर 4 वाली सीरीज, इस तरह से शॉर्ट करता है। अब यहीं पे हो गया पंगा, करें तो क्या करें, क्या सर क्या कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे आता है मूविंग। जैसे कि मुझे टू को ऊपर रखना है तो राइट क्लिक करके मूव बिगिनिंग ऑफ करके ले आ सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कर्सर रखें, यहाँ पे कर्सर, कर्सर बन के आ गया, उसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। और एक साथ हम कई सारे भी रख सकते हैं। और सिर्फ जैसे हमने सिलेक्शन कर रखी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ A3, A4, P4, P3, P4, P5 जाएगा, उसके साथ इसका डेटा भी जाएगा। और इस तरह से हमने अरेंज कर दिया और हमारा डेटा प्रोडक्ट बाई शॉर्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मूव। इसी तरह से आप मान लीजिए कि मैंने मंथ को उठाया और मंथ को रख दिया कॉलन में, सॉरी मंथ को कॉलन में रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ कॉलम इंसर्ट करना है। मंथ को लिया और रख दिया कॉलन में, तो मंथ यहाँ देखिए कॉलम में आ गया। अब अप्रैल आया, मई, जून, जुलाई, ये तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया ना क्या। तो इन तीनों को मैंने उठाया और चला गया यहाँ। तो डेटा मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग था, इस कारण से वहाँ फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आया था। ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपका मंथ हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा।
शॉर्टिंग के बाद दूसरा आता है सॉर्टिंग एंड मूविंग, दो चैप्टर हम कर चुके हैं। तीसरी जो चैप्टर आता है वो आता है ग्रुपिंग, सॉरी फिल्टर। फिल्टर में जैसे मैं यहाँ पे सर्च करके यहाँ सेलेक्ट करके P1, P4 एंड P7 को ओके कर सकता हूँ। तो इस तरह से वन बाय वन हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर। जैसे नॉर्मल फिल्टर में बहुत सारे ट्रिक्स थे, सो यहाँ भी बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे आपको। जैसे वैल्यू फिल्टर में इक्वल डज नॉट इक्वल, किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा छोटा, बिटवीन या टॉप 10। मान लीजिए मैं टॉप 3 या टॉप 5 मुझे चाहिए, टॉप 3 चाहिए, तो टॉप 3 सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो टॉप 3 हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी चीज़ एक दिन ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो है वैल्यू फिल्टर का मतलब हुआ जो वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करेगा, और लेवल फिल्टर का मतलब हुआ जो ये लेवल है 1, 2, 3 इसके अकॉर्डिंग फिल्टर करेगा। यहाँ पे फिक्स होता है लेवल फिल्टर, इट मींस लेवल जो है उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा फिल्टर होगा, और वैल्यू फिल्टर उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जैसे हमने सॉर्ट किया था लेफ्ट टू राइट, ऐसे हम कॉलम को भी फिल्टर कर सकते हैं। तो कॉलम फिल्टर में देखिए कॉलम लेवल और यहाँ पे फिल्टर बना हुआ है। यहाँ भी सेम थिंग, किसी मंथ को मुझे यहाँ से नहीं रखना है तो उस पर्टिकुलर मंथ को मैं यहाँ से हटा दूंगा, रखना है तो रख सकते हैं। माफ कीजिएगा, खांसी भी गई नहीं है मेरी, केजरीवाल जी की तरह जल्दी जाएगी भी नहीं। यहाँ भी इस तरह से कंडीशंस है, जैसे टॉप 10 आपको लेना है या टॉप 3 लेना है, टॉप 3 कर दीजिए तो टॉप 3 आ जाता है। तो ये तो था कॉलम फिल्टर। तो हमने दो फिल्टर डिस्कस किए पिवट में, पहले फिल्टर डिस्कस किए हमने रो फिल्टर, दूसरी फिल्टर डिस्कस किए हमने कॉलम फिल्टर। अब आता है पेज फिल्टर। जैसे मुझे पूरे रिपोर्ट को ही एक अलग फॉर्मेट देना है, मैंने अलग फिल्टर दे तो ये दो तो है पे मोड और सेल्स कैटेगरी, मैंने यहां रख दिया। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि कैश में और सेल्स टाइप में यहां देख सकता हूं कि डायरेक्ट या ऑनलाइन। ठीक है, तो जो फिल्टर हुआ ओवरऑल हमारा रिपोर्ट जो है फिल्टर हुआ। तो इसको जो बोलते हैं पेज फिल्टर, मतलब कि इसमें जो फिल्टर होती है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करती है। समझ में आया आपको सर? महेंद्र जी, प्रदीप जी, विपिन जी, हाँ महेंद्र जी कुछ बोलना है सर? सर ये पे मोड और सेल्स मोड एक बार और बताइए सर। सर इसको फिर से दोबारा बता दीजिए। भी आपका रिपोर्ट तो यहाँ रखा हुआ, अब आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे मंथ है, तो आप यहाँ से इन दोनों को फिल्टर कर सकते हैं, राइट? लेकिन मेरे पास मेरे डेटा में क्या है कि जाइएगा तो यहाँ पे सेल्स टाइप है, राइट? कि किस तरह का सेल्स टाइप किया गया और पेमेंट बोले कि ऑनलाइन लिया कैश लिया गया। अब मुझे यहाँ पे देखना है फिल्टर लगा, तो मैं इस दोनों कैटेगरी को डेटा में रखना चाहता हूँ क्योंकि उससे उसके डेटा मुझे नहीं चाहिए बट मुझे उसकी फिल्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि मैंने रो में, मान लीजिए कि मैंने अगर पेमेंट को रो में रख दिया तो इस तरह का डेटा आ जाएगा, तो मुझे नहीं चेक करना है कि कितना स्किल से कितना इस तरह से, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार फिल्टर लगा लूंगा, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो फिल्टर नहीं लगाऊंगा। उस समय हम इसको पेज फिल्टर में दिख रहा है फिल्टर इसमें रख देते हैं। इससे क्या होता है, फिल्टर में रखेंगे। हाँ, अब जो इसमें मान लीजिए कैश हमने किया तो पूरी पिवट कैश के अकॉर्डिंग हो गई। अब जो डेटा दिख रहा है कैश का डेटा है, जैसे मैं इसको ऑनलाइन करूंगा तो ऑनलाइन हो जाएगा।
मुझे ये भी देखना है कि ऑनलाइन में किस किस तरह के कस्टमर्स आए, ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह का सेल टाइप है, कि ऑनलाइन सेल हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, किस रेफरल से हुआ, ये भी मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स टाइप को पे मोड के नीचे रख दूं। तो ऑनलाइन के अंदर में मुझे देखना है कि डायरेक्ट कितने सेल हुए, जिसने पेमेंट ऑनलाइन किया है और लेकिन सेल्स हमारा डायरेक्ट हुआ तो इतने हैं, इतने प्रोडक्ट के इतनी सेल्स है कि 60 200, 60 6 लाख 23 2300 समथिंग क्वांटिटी सेल हुई है, और मंथली और प्रोडक्ट वाइज भी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। लेकिन मुझे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि ऑनलाइन में मुझे डायरेक्ट और रेफरल के कितना, ऑनलाइन में डायरेक्ट और रेफरल कितना सेल हुआ है, तो हम दो को यहाँ मल्टीपल दिख रहा होगा, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम करके दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? किसी सर को डाउट फिल्टर में? नो सर हमने यहाँ पे बात कर ली है शॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर, तीन टॉपिक हमारा हो गया। अब बात करते हैं ग्रुपिंग पे, तो मैं ये सब हटा देता हूँ और यहाँ मान लीजिए हटा दिया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ कैटेगरी को रखा यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या है कि एक कॉर्पोरेट और इंटरप्राइजेस दोनों एक ही है, बात समझ रहे हैं सर? ये दोनों एक ही है, इसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं कि बिजनेस मैन, मैंने बिजनेस कैटेगरी में गया है सेल। मतलब ये गवर्नमेंट को हमने फॉर सेल किया है, ये होम यूजर को सेल किया है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर को, एंटरप्राइजेस को, ये एनजीओ को बेचा है, कस्टमर टाइप है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप, तो यहां पे ग्रुप वन आ गया। इसको हम लोग बिजनेस कर दिया, और यहां से कैटेगरी हमने कैटेगरी को हटा दिया, कैटेगरी टू पर। इसको कहते हैं टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर, तो टेक्स्ट ग्रुप, माफ कीजिएगा, टेक्स्ट। मैंने मंथ को वापस रो में रखा, नहीं डे हो गया, मंथ मान लीजिए मैंने मंथ को रखा। अब मैं चाहता हूँ कि जैन फेब मार्च क्वार्टर वन बन जाए, तो इस तरह से वन बाय वन हम कर सकते हैं। ग्रुप वन ये हमारा क्वार्टर वन, और फिर हमने पुराने वाले मंथ को हटा दिया, अप्रैल मई जून, राइट क्लिक, अगेन ग्रुप, ये जाता है हमारा क्वार्टर टू। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आपके पास डेट फॉर्मेट में ना हो, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, ये हमारा कहलाता है टेक्स्ट फिल्टर। और ये टेक्स्ट ग्रुपिंग हमने किया। टेक्स्ट ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं नंबर ग्रुपिंग। जैसे यहाँ हमारे पास अमाउंट है और ये हमारी क्वांटिटी, तो हमारा ये बताया जा रहा है कि कितना पीस हमने कितने में बेचा हुआ है। एक पीस हमने 20,110 में बेचा है, दो पीस हमने 38,000 में बेचा है, मतलब एक पीस का ऑर्डर नहीं हुआ, जैसे कि इसने डेटा में यहाँ पे फिल्टर किया और यहाँ से वन को सेलेक्ट कर लिया और इसका सम निकाल लिया कि भाई इसकी कितनी अमाउंट हमने सेल की है। तो ये 20,210 आप देख रहे हैं,
ठीक है। तो अब ऐसे 1 2 3 4 करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, एक स्लैब होना चाहिए, 1 से 20, 20 से 40, 20 से 10, इस तरह का स्लैब होना चाहिए ना। क्लिक करके ग्रुप, ये मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ गया और मैं 5 5 का स्लैब तैयार कर दिया। तो 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, इस तरह से आ गया। तो सर टेक्स्ट ग्रुपिंग और नंबर ग्रुपिंग से समझ में आ गया आपको? योगानंद जी, महेंद्र जी, प्रदीप जी और विपिन कुमार हाँ जी, यस सर आ गए सर। अब बात करते हैं डेट की। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे डेटा में हमने यहाँ फॉर्मूले या किसी भी तरह से ईयर, मंथ और डे अलग कर रखा था, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं होता है, सिर्फ डेट ही, इसी डेट के अकॉर्डिंग चलना है। जब मैं डेट को उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो डेट ऑटोमेटिकली ईयर वाइज ग्रुप हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्वार्टर वाइज, इसको क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज, फिर डेट वाइज, इस तरह से ग्रुप हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ अनग्रुप, क्योंकि मुझे इसको अपने हिसाब से ग्रुप करना है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ ग्रुप, और ग्रुप में यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो तो कि मुझे मंथ बाई चाहिए, तो मैंने मंथ ले लिया, तो ये पूरा मंथ बाई ग्रुप हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस डेट वाले कॉलम में किसी भी तरह का टेक्स्ट या ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर ग्रुप नहीं होगा। मुझे इसमें ईयर वाइज चाहिए, तो मैंने ईयर भी लेके ओके कर दिया, तो ये देखिए ईयर वाइज भी आ गया। और मैं ईयर को उठा के कॉलम में रख सकता हूँ या फिल्टर में रख सकता हूँ अपने हिसाब से, इस तरह से। उसी तरह से मुझे यहाँ ग्रुप क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 15 15 दिन का स्लैब ग्रुपिंग चाहिए, स्लैब में 15 15 दिन का स्लैब ग्रुप चाहिए मुझे। तो आपको सारे ग्रुप हटा के फिर डेज को क्लिक करके, तो यहाँ देखिए 15 दिन का आ जाए। मुझे यहाँ पे चार्ट बनानी है डेली बेसिस पे। तो ग्रुप में अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए एक एक दिन करके छोड़ दिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए पूरा डेट आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा 2 साल का चार्ट नहीं बनाना, मुझे हर मंथ में ग्रुप जैसे हुआ है उसके हिसाब से चाहिए। तो राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप पे गया और मैंने डेज और मंथ दोनों सेलेक्ट कर लिया, और हमने मंथ को उठाया और रख दिया यहाँ। नहीं, वो 1 2 3 4 नहीं हुआ। तो एक ग्रुपिंग थी। तो आज आपने पिवट टेबल में सीखा ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर, ठीक है सर।